हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन डाको स्टॉक लेके आया हूँ। डाकोस का मतलब होता है कि कम टाइम में ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक और बहुत लो रिस्क में आपको मल्टीपैकर स्टॉक मिलेंगे। तो अपने वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और अपने बाय करेंगे तो क्यों बाय करेंगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे वो पूरी अपने एनालिसिस करेंगे। तो अभी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम है अभी आपको मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से बॉटम बन के ऊपर जाने के लिए रेडी भी हो सकता है। तो आपको अभी से स्टार्टिंग कर देना चाहिए SIP लगाने का। ऐसा मत सोचो कि मार्केट और गिरेगा उसके बाद में लगाऊंगा, वेट एंड वॉच करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में अभी से आपको SIP के तौर पे लगाना चाहिए पैसे, ताकि अगर यहाँ से रिवर्स कर जाए तो आपको अफसोस ना हो और कुछ पैसे आपने लगाए तो आपको उस पे अच्छा रिटर्न भी मिल पाए। तो मैं आपको तीन बढ़िया डाको स्टॉक बताऊंगा जो अभी भी मार्केट इतने गिरने के बावजूद वो भी अभी भी अप ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है, यानी कि यहाँ से गिरने के बहुत कम चांस है और ऊपर जाने के ज्यादा चांस है। तो वो तीन स्टॉक मैं बताऊंगा। तो उससे पहले गाइज, अगर कल का वीडियो आपने देखा नहीं है तो देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग की कमेंट आई थी कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ। वैसे भी तो आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक अलग सेटअप के हिसाब से और भी अच्छा है, जो जॉब जॉब करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। वन डे टेली टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है और अच्छे से काम करते हैं, यानी कि वीकली में भी काम करता है। सब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए, 10 से 15 एग्जाम्पल भी बताए, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अगर कल का वीडियो देखा नहीं तो जाके देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो है। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको रोज इंट्राडे ब्रेकआउट स्टॉक भी मिलते रहेंगे। उसके अलावा हर संडे को स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मिलेंगे, और आज जैसे सैटरडे, तो सैटरडे को आपको डाकोस के स्टॉक, तीन स्टॉक में देता हूँ, 3 से 12 महीने आप पोजिशन बना के रख सकते हो। ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक में आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपको चार्ट रीडिंग कैसे करना है और अलग अलग स्ट्रेटेजी भी सीखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो अभी अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए चार स्टॉक पे चलेंगे, और पहले स्टॉक का नाम रहेगा जो आप 3 से 12 महीने पोजीशन बना के रख सकते हो, उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा जेके पेपर। जेके पेपर को आपको बाय करना है, जेके पेपर को आपको बाय करना है। उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। तो वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो वीकली चार्ट है, स्टॉक का नाम है जेके पेपर और एनालिसिस डेट है 2 जुलाई 2022। तो पहला रीजन है रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, यानी कि स्टॉक कर क्या रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो अपने नॉर्मली ये सेटअप पे तो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट को, यानी कि कोई स्टॉक कोई लेवल को रिस्पेक्ट करता है। देखो यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, नीचे आया, फाइनली फिर से स्टॉक ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आया, वन वे डिरेक्शन में ऊपर चला गया और ऊपर जाके अभी स्टॉक फाइनली नीचे आया। तो आपने देखा होगा कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है फिर वो रिटेस्ट करने वहीं पे आता है, यानी कि उसका जो पहले ब्रेकआउट एरिया था वहां पे रिटेस्ट करने आता है। अगर वहां से स्टॉक रिवर्स मारता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो देखो स्टॉक ने ऐसा ही किया, यहाँ नीचे आया था लेकिन यही एरिया में क्या किया, उसने सपोर्ट लिया फिर से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी गिरा है, उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन फिर से उसने क्या किया, थोड़ी गिरावट आई थी लेकिन क्लोजिंग देखो इसके नीचे आया था, ये जो डिमांड जोन बनी थी उसके नीचे आया था, लेकिन क्लोजिंग उसकी देखो फिर से क्लोजिंग ऊपर की साइड दे दी और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे डिमांड जोन बना लिया है। और दूसरा मेन रीजन आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। देखो यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट ले रहा था और अभी एग्जैक्ट उसने ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया, और नेक्स्ट वीक देखो अभी उसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की साइड है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में अभी न्यूज चल रहा है कि 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो गया है, उससे कहीं ना कहीं जो भी पेपर स्टॉक है उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, वो भी न्यूज बेस के हिसाब से भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में आपको पहले पता चलेगा। न्यूज वैसे 1 तारीख से आई, पहले भी आई थी, लेकिन देखो एक दो दो वीक से स्टॉक में अच्छी रैली दिखाई, 266 में आया था वहां से अभी 304 चल रहा है, यानी कि अच्छा खासा ऊपर की साइड स्टॉक चला गया और देखो 10 से 12% की ऊपर की साइड रैली दे दी। तो न्यूज जब भी आती है उससे पहले आपको प्राइस पे पता चल ही जाएगा। तो आप अगर न्यूज पे भरोसा नहीं करोगे तो भी आपको लेवल पे भरोसा करोगे तो आपको एंट्री और एग्जिट आराम से मिल जाएगी। तो जेके पेपर को बाय करना है क्योंकि देखो उसने ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लिया था उसके भी ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ अच्छे से ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है।
तो मेन हो गया कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपको समझा दिया। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, और ट्रेंड लाइन का जो ट्रेडिंग अब वो सपोर्ट कैंडल, सपोर्ट कैंडल यानी कि ये जो रेड कैंडल बनी थी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छे से क्लोज दिया है। तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने कंफर्मेशन दे दिया कि स्टॉक का ये लास्ट स्विंग हो सकता है, अभी स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जाने के लिए रेडी है, यानी कि स्टॉक का गिरने का आपका स्टॉप लॉस इतना ही है और ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो आपको कम रिस्क में मल्टी बैगर स्टॉक मिल रहा है। अगर स्टॉक ऐसे समझो गिरेगा तो भी उसको स्टॉक को पहले क्या आएगा, डिमांड जोन आएगी, डिमांड जोन ब्रेक होने के बीच में पहले फिर से ट्रेंड लाइन भी आएगी, और अगर वो भी ब्रेक करेगा तब जाके इसके नीचे क्लोज देगा। तो बहुत कम चांस है कि स्टॉक नीचे गिरे, और ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो कब बाय करना है, तो सीएमपी कितना है, 304.2 है। तो आपको सीएमपी पे मंडे को जो भी प्राइस पे मिलता है वहां पे आप बाय कर सकते हो। टारगेट प्राइस कितना रहेगा, 610 का रहेगा, यानी कि ऐसे स्टॉक डबल हो सकता है। एसएल एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 266, यानी कि ये जो वीक का लो बनाया था उसके नीचे क्लोज देगा। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके एग्जिट करना है, समझो कि ऐसे क्लोज देता है 266 के नीचे, तो आपको आंख बंद करके एग्जिट करना है। उसके बाद क्या हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि फिर वो डाउन ट्रेंड चालू हो गया जाएगा, फिर स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, इसीलिए आपको एग्जिट करना बहुत जरूरी है। 266 के नीचे वीकली क्लोज दे तो एग्जिट करना है। रिस्क कितना रहेगा बाइंग लेवल से, 266 का लेवल यानी कि 12% का रहेगा, रिवॉर्ड देखोगे तो 100% का है। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:8 का हो गया। टाइम पीरियड 3 से 12 महीने पोजीशन बना के रखोगे तो स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। तो ये अपना पहला स्टॉक का नाम हो गया जेके पेपर, जो अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखा सकता है, मैंने आपको वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके बता दिया। अभी अपने चलेंगे दूसरे स्टॉक के ऊपर जिसका नाम रहेगा उषा मार्टिन। उषा मार्टिन को आपको बाय करना है। तो गाइज देखो, अगर आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्टॉक का नाम, यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन। अभी वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस डेट रहेगी 2 जुलाई 2022। इसमें भी सेम रीजन रहेगा, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो स्टॉक क्या कर रहा है, देखो कोई लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया नीचे आया, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, ऊपर गया लेकिन कहाँ तक नीचे आया फिर से, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर नीचे आता है तो वो उसका पहले सप्लाई जोन था उसके आसपास आके रिवर्स मारता है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक ऊपर के लिए रेडी है। तो देखो एग्जैक्ट उसने क्या किया, वही एरिया को 2 वीक से लो बनाया और फिर ऊपर क्लोज दिया, यानी कि वो एरिया कौन सा था, 102 101 के करीब था। तो वहां से उसने क्या किया, फिर से देखो ये जो कैंडल था उसके हाई के ऊपर अच्छे से ऊपर की साइड क्लोजिंग दिया। तो और नीचे से भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी उसको साथ साथ सपोर्ट मिल रहा है। देखो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, यानी कि ट्रेंड लाइन का भी स्टॉक को मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है स्टॉक को, यहाँ पे डिमांड जोन भी बन रहा है, डिमांड जोन के साथ साथ ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि प्रीवियस स्टॉक में भी ऐसा ही हो रहा था, यानी कि आप देखोगे तो पैटर्न सेम ही अपने एनालिसिस करने की। तो और स्टॉक अभी देखो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैंडल बनी थी है उसके भी हाई के ऊपर अभी क्लोज दिया और अच्छे से ऊपर की साइड क्लोज दिया, तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो गया, ट्रेडिंग अब वो सपोर्ट कैंडल यानी कि सपोर्ट कैंडल जो बने उसके ऊपर अभी से अच्छे से ऊपर की साइड ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्टॉक का नाम उषा मार्टिन है, बाय एट ऑन डीएमपी, बाय ऑन डीप करना है। डीप यानी कि अभी देखो करीब 100 सीएमपी कितना है, 122.45 है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, 122.45 चल रहा है। तो आपको अभी सीएमपी पे बाय नहीं करना है, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि अपने को रिस्क रिवॉर्ड मैच करना है, कोई भी आपको ट्रेडिंग प्लान करना है तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड मैच करना है, उसके बाद ही आपको एंट्री करनी। अभी आप एंट्री करोगे समझो कि 122 है और उसका स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे करीब 99 के करीब, तो आपको यहाँ से देखोगे तो कितना आ रहा है लॉस, 18-19% का रिस्क आ रहा है। तो आपको अपने को उसको कम करना है, रिस्क को क्या करना है, कम करना है, और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अभी कोई भी स्टॉक सीधा ऐसा रॉकेट नहीं बनेगा, समझो मेरी बात। अगर नेक्स्ट वीक भी थोड़ी गिरावट आएगी तो इसमें भी स्टॉक थोड़ा ऐसे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल भी बना सकते हैं। तो आपको सीएमपी पे बाय नहीं करना, वेट करना कि 115 के आसपास बाय करो। अगर सीएमपी पे बाय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी 122 पे थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, फिर 115 पे थोड़ी ले सकते हो, 110 आता है तो ले सकते हो, ऐसे भी करके आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन इस स्टॉक को बाय ऑन डीपी करना है। जितना हो सके गिरावट में लोगे तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, वेट करना है कि 115 आए वहां पे बाय कर सकते हो, और
और टारगेट 230 का रहेगा। एक्सएल एग्जिट वीकली क्लोज बिलो, ध्यान रखना है वीकली क्लोज है, 99 के नीचे वीकली क्लोज दे, यानी कि ये जो कैंडल था उसके नीचे वीकली क्लोज दे, ऐसे तो आपको क्या करना है, इसमें से एग्जिट करना है। उसके बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें रिस्क कितना रहेगा, 14% रहेगा, क्योंकि आप 115 पे बाई करोगे, 99 का स्टॉप लॉस होगा, रिवॉर्ड 100% का रहेगा, रिस्क रेट 1:7 का रहेगा, और टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने। पोजीशन बना के रखोगे तो उसमें ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक होगा उषा मार्टिन, जो आने वाले 3 से 12 महीने में ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है, लेकिन आपको बाय करना है 115 पे, 122 पे बाय करना है, तो आधी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फिर नीचे गिरावट आए तब भी बाय कर सकते हो। उसके बाद तीसरा और आखिरी स्टॉक है जिसका नाम है जैश इंजीनियरिंग। जैश इंजीनियरिंग को आपको बाय करना है, बाय करने का रीजन मैं बता देता हूँ। स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, कोड उसका JASH, तो स्टॉक का नाम रहेगा जैश इंजीनियरिंग, और एनालिसिस डेट रहेगी 2 जुलाई 2022। वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो इसमें भी सेम सेटअप है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि स्टॉक क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे रिजेक्शन मारा, यहाँ से नीचे आया, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ रिटेस्ट करने आया, फिर से ऊपर गया, ये कैंडल रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, और मार्केट गिरा होता तो ये इसने भी नीचे क्लोज दिया, लेकिन दूसरे वीक फिर से ऊपर चला गया। तो देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है, एक दो वीक ऐसा भी होता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं, लेकिन अगर स्टॉक अच्छा होगा तो देखो दूसरे वीक से ही पता चल गया स्टॉक ने फिर से ऊपर चला गया, और उसका जो ये डिमांड जो बना था उसके ऊपर ही अच्छे से क्लोजिंग दिया, और अभी उसकी कैंडल के भी हाई के ऊपर फिर से नेक्स्ट वीक क्लोजिंग दिया, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि स्टॉक ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी है। ये कभी कभी ऐसे फॉल्स ब्रेकडाउन आ जाते हैं, नॉर्मली इसको यहाँ पे डिमांड जोन था वहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन मार्केट ज्यादा गिरता है तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट वीक वो फिर से अपने लेवल पे आ जाता है। तो और आपको ये भी देखना है कि स्टॉक क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेके फिर से रिवर्स मार के स्टॉक ऊपर चला गया। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक डिमांड जोन, उसका पहले सप्लाई था, वो डिमांड जोन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लिया है वो कैंडल के हाई के ऊपर अच्छे से ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, यानी कि कंफर्म हो गया कि स्टॉक ने रिवर्सल मार दिया है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आपको यहाँ से गिरने के बहुत कम चांस है, तो आपको ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कम रिस्क में मल्टी बैकर स्टॉक मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो अभी ये स्टॉक को अपने क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो अभी आप अपने स्टॉक को बाय करेंगे तो कहाँ पे बाय करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो अपना क्लियर हो गया, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, ट्रेडिंग का भी सपोर्ट हो गया, ट्रेडिंग अब वो सपोर्ट कैंडल हो गया। तो अभी CMP पे बाय करना है, 650.4 चल रहा है, टारगेट 1300 का रहेगा, यानी कि यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है आराम से, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, तो आराम से यहाँ से डबल होने के बहुत हाई चांस होते हैं। SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 555, 555 के नीचे वीकली क्लोज दे तो, यानी कि ये जो कैंडल बनाई थी उसके नीचे वीकली क्लोज दे तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, फिर वहां से डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। तो रिस्क कितना रहेगा, 15% का रहेगा, रिवॉर्ड 100% का रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:6 का रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने। पोजिशन बना के रखोगे तो इसमें ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। तो गाइज देखो, मैंने टाइम पीरियड अभी जैसा कि 650 का टारगेट 1300 का दिया, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी मार्केट क्या है, निफ्टी में गिरावट ज्यादा आती है, ऊपर कम जाती है, तो कभी कभी क्या होते हैं ऐसे स्टॉक होते हैं वो, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 से 12 महीने यानी कि अभी से वो ऊपर बढ़ना चालू हो जाते हैं। अभी क्या करेंगे, मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक क्या करते हैं, आउट परफॉर्म तो करते हैं लेकिन ऊपर की साइड रैली नहीं देखते। सपोज कि नेक्स्ट मंथ निफ्टी अगर 5% नीचे गिरेगी तो ये स्टॉक भी, ऐसा जरूरी नहीं कि 5% ही गिरेगा, ये क्या करेगा, 2-4% गिरेगा लेकिन ऐसा साइडवेज जाएगा, फिर जब निफ्टी थोड़ा भी ऊपर जाएगी 2-4% तो ये स्टॉक सीधा रॉकेट बन के ऐसे चला जाएगा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 महीना, क्योंकि अभी मार्केट में सेंटिमेंट खराब चल रहा है, उसकी वजह से स्टॉक क्या करते हैं, 3 से 4 महीने में भी साइडवेज ऐसे जा सकते हैं, उसके बाद जब अच्छे न्यूज आएंगे तो वो रॉकेट बन के ऊपर जाएंगे, यानी कि आपका स्टॉप लॉस भले नहीं होगा लेकिन स्टॉक 2 से 4 महीने में भी ऐसे साइडवेज जा सकते हैं। तो आपको तब क्या करना है, हिम्मत नहीं आनी और अपने पोजीशन बना के रखनी है और आपके सेटअप पे भरोसा रखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी ये तो 2-4 महीने से मैंने लिया है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लेकिन आप वो सोचो ना,
आपके मार्केट ने इंडेक्स निफ्टी के इंडेक्स के हिसाब से तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, साइडवेज जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, वो मेन बात है। और जब अच्छा टाइम आएगा तो वो ब्रेकआउट देके फिर ऊपर जाना ही है, और वो जो इतना 4-5 महीने से ब्रेकआउट दिया था वो 1 या 2 महीने में ही ऊपर का टारगेट अचीव कर सकता है। तो आपको वो भी देखना है कि मार्केट नीचे गिरता है लेकिन आपके स्टॉप लॉस नहीं होते, वो अच्छी बात होती है, भले आपको रिटर्न नहीं मिलता है लेकिन स्टॉप लॉस भी नहीं होने चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गाइज अपने 3 स्टॉक की एनालिसिस हो गई, तीनों स्टॉक में आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा जेके पेपर, जो अपने वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया और आपको बाय करना है, रिटर्न अच्छा है, यहाँ से डबल हो सकता है। दूसरा स्टॉक है उषा मार्टिन, और तीसरा उषा मार्टिन को आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है, 115 के आसपास मिले तब बाय करना है, 122 पे बाय करना है, तो आप आधी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 115 पे दूसरी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ऐसे आप एवरेज भी कर सकते हो। और तीसरा स्टॉक रहेगा जेस इंजीनियरिंग, जेस इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है, जो प्राइस दिया वहां पे सीएमपी पे बाय करना है, टारगेट 1300 का रहेगा और वीकली क्लोज 555, यानी कि इसके नीचे वीकली क्लोज दिया तो आपको एग्जिट भी करना है। तो तीनों स्टॉक बहुत अच्छे ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, अगर उसमें से किसी में स्टॉप लॉस भी होता है तो भी आपको उसमें से एग्जिट करना आना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल मैंने दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो लेवल ब्रेक किए तो फिर उसमें और भी गिरावट बहुत आ सकती है, क्योंकि वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो वो भी आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, और जब भी एंट्री ले तो आपको स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सपोज एंट्री ले ली ये वीडियो फिर आपको मिला नहीं तो आपको एंट्री एग्जिट कहाँ पे वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक वीक में इसमें चार्ट चेंज होता रहेगा तो आपको स्टॉप लॉस लेवल पता नहीं चलेगा, तो जब भी एंट्री ले तो स्टॉप लॉस का लेवल आप लिख के रखो तो अच्छी बात है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो गाइज, टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको कुछ भी, मैं उस पर टेलीग्राम पे भी अच्छे अच्छे पोस्ट देता रहता हूँ, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट आई थी टेलीग्राम पे, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी एक स्टॉक बताया था कि ये स्टॉक में आपको अच्छे से रिटर्न मिल सकता है और रिस्क बहुत कम है, लिमिटेड रिटर्न, मतलब रिस्क ना के बराबर है लेकिन आपको महीने के आराम से 4 से 5% का रिटर्न भी उसमें मिल सकता है, ऐसी स्ट्रेटेजी भी मैंने बताई थी ऑप्शन में कि कौन से सेटअप में कौन से स्टॉक में आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो वो भी मैंने बताया, तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होता ही रहेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना गाइज अगर आप टेलीग्राम पे हो तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और कल आएगा अपना स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो, बहुत अच्छा होता है, एक वीक में अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक में बताता हूँ, तो कल का वीडियो मिस मत करना गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।